हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइन विद प्रद्युत। सो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। सो कम टू द मेन पॉइंट, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही खास कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। आज तक मैंने जितने भी कोर्स रिलेटेड वीडियो बनाया है, ताकि वो BSc हो, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये सब मैंने बनाया है, पर आज के वीडियो में बिल्कुल एक डिफरेंट कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो फैशन डिज़ाइनिंग में है, जिस कोर्स का नाम है फैशन स्टाइलिंग। सो इस कोर्स का एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, फ़ी स्ट्रक्चर, टॉप कॉलेजेस, सब्जेक्ट, जॉब एरियाज, एम्प्लॉयमेंट एरिया, सब कुछ, एवरीथिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए, आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आगे जाकर आपको अगर फैशन स्टाइलिस्ट बनना है तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। तो डोंट स्किप द वीडियो, लेट्स वॉच द होल वीडियो। व्हाट इज़ फैशन स्टाइलिंग? फैशन स्टाइलिंग इज़ द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टाइलिंग क्लोथिंग। किसी फैब्रिक को कलर एंड क्रिएटिविटी आइडियाज़ के थ्रू तैयार करना, ताकि वो कपड़े पहनने के लिए अच्छा हो और किसी ओकेशन पर जाने के लिए परफेक्ट हो। अब आपको लग ही सकता होगा कि फैशन डिज़ाइनर एंड फैशन स्टाइलिस्ट दोनों में फ़र्क क्या है। हाँ, काम के मायने में ये दोनों थोड़ा सा इक्वल होता है, थोड़ा सा सिमिलरिटी हो सकता है इन दोनों में, पर ये दोनों एक बिल्कुल डिफरेंट कोर्स है और दोनों का जो काम है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको समझाता हूँ कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर का काम क्या होता है। एक फ़ैशन डिज़ाइन का काम होता है डिज़ाइनिंग क्रिएट करके वो कपड़े को रेडी करना पूरी तरीके से। मतलब एक कपड़े के डिज़ाइनिंग से लेकर पूरी तरीके से वो कपड़े को रेडी करना एक फ़ैशन डिज़ाइनर काम होता है। और उन्हीं कपड़े को सिलेक्ट करके, मतलब बहुत सारे डिज़ाइनर बहुत सारे डिज़ाइनिंग करते हैं, बट उन सभी डिज़ाइनिंग में से परफेक्ट डिज़ाइनर एंड परफेक्ट डिज़ाइनिंग को कलेक्ट करके एक फ़ैशन स्टाइलिस्ट किसी पर्सन एंड किसी सेलिब्रिटी को सजेस्ट करते हैं, उन लोगों को अच्छी तरीके से देखने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि ज़्यादातर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट रखते हैं, कि एक स्टाइलिस्ट का काम होता है कि किस व्यक्ति के ऊपर कौन सा पोशाक ज़्यादा अच्छा लग रहे हो, वो डिसाइड करने का काम, वो डिसाइड करने का सब कुछ एक फ़ैशन स्टाइलिस्ट के ऊपर निर्भर करता है। फैशन स्टाइलिंग कोर्स में अगर आप डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट जैसे शॉर्ट टाइम कोर्स करना चाहते हो तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल कोर्स करना चाहते हो तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। पर कुछ कॉलेजेस में अगर आप 10th पास हो तब भी आपको ग्रेजुएशन कोर्स प्रोवाइडेड करते हैं। वैसे तो फैशन स्टाइलिंग में कोई एज लिमिट नहीं होता, पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉलेजेस है जहाँ पर एक एज लिमिट होता है। एक्चुअली इस कोर्स में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, पर सम पॉपुलर कॉलेजेस में लाइक NIT, NID, पर्ल अकेडमी जैसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। फैशन स्टाइलिंग के कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा लेवल, सर्टिफिकेट लेवल एंड डिप्लोमा लेवल कोर्स प्रोवाइडेड अवेलेबल है। इसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के लिए होता है, और जो ग्रेजुएशन लेवल कोर्स है उसका ड्यूरेशन 2 ईयर्स के लिए होता है। फैशन स्टाइलिंग के कोर्स में वैसे तो आपको बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाया जाएगा। जो सब्जेक्ट BSc और जो सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स है उस कोर्स में थोड़ा बहुत नहीं है, पर एक एक अलग अलग कोर्स का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। वैसे ही इस कोर्स का सब्जेक्ट है, मेरे पास एक लिस्ट भी है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ फैशन, विजुअल मर्चेंटाइजिंग, कलर एनालिसिस, कमर्शियल स्टाइलिंग, कस्टमाइजेशंस, वार्डरोब एडिट, आर्ट डायरेक्शंस, और भी प्रिपेयरिंग टेक्नोलॉजी, एडिटोरियल, फैशन स्टाइलिंग जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। NID अहमदाबाद, सेम्बेसिस पुणे, आर्च अकेडमी जयपुर, NIFT बेंगालोर, NIFT न्यू दिल्ली एंड NIFT कलकत्ता जैसे बहुत सारे फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेजेस है। ये मैं सिर्फ टॉप कॉलेजेस का नाम बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत सारे टॉप कॉलेजेस है जहाँ से आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो फैशन स्टाइलिंग लेकर। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पर ये मत सोचना कि सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस में अच्छी तरीके से फैशन स्टाइलिंग सिखाया जाता है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो, इसीलिए आप थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज विजिट करो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया एक स्टूडेंट्स के लिए, कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। जब मैं स्टूडेंट्स था तो मुझको भी यही लगता था कि किस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, कि घर वाले उसको अफोर्ड कर सकते हैं क्या नहीं। एक स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होता है। पर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ से आप फैशन डिज़ाइनिंग के स्टाइलिंग कोर्स कर सकते हो कि अफोर्ड फीस से। सो लगभग इंडिया में सभी कॉलेजेस में फ़ी स्ट्रक्चर तो वैसे तो बोला नहीं जा सकता कि परफेक्ट यही फ़ी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि फ़ी स्ट्रक्चर टोटल डिपेंड करते हैं कि आप किस इंस्टीट्यूट से अपना फैशन डिज़ाइनिंग के स्टाइलिंग कोर्स कर रहे हो। तो एक एवरेज फ़ी स्ट्रक्चर बोला जाए तो लगभग सभी कॉलेजेस में पर ईयर आपको 70,000 से लेकर 2 लाख तक पे करना होगा। आफ्टर फैशन स्टाइलिंग कोर्स के बाद आप कौन से जॉब एम्प्लॉयमेंट एरिया में काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, लाइक फिल्म इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, रिटेल मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री होता है वहाँ पर, और भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर आपके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होगा। ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन वाले फैशन स्टाइलिंग है कोर्स कर चुके हैं उन लोगों को मोस्टली फेमस जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब रोल प्रोवाइडेड किया जाता है। बाकी लोगों को भी किया जाता है, बट उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है जो ग्रेजुएशन वाले होता है। उन लोगों को बहुत सारे फैशन डिज़ाइनिंग के जॉब रोल मिलता है, फैशन स्टाइलिंग के जॉब रोल मिलता है, जैसे कि इलुस्ट्रेटर, ब्रांड स्टाइलिस्ट, फैशन कंसल्टर, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन इलुस्ट्रेटर, फैशन एनालिसिस्ट, और भी काफ़ी सारे फेमस सेलिब्रिटी के स्टाइलिस्ट बनने का भी मौका मिल सकता है। अगर आपका लक अच्छा हो तो आप एक फेमस सेलिब्रिटी के भी स्टाइलिस्ट बन सकते हो। जैसे कि मेरा तो सपना है कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट सेलिब्रिटी होता है, जैसे कि मैं अगर दीपिका पादुकोण की स्टाइलिस्ट बन जाता तो जो भी हो, मंत्रा, टॉमी, वीगो, अमेजन एंड मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे बिगेस्ट ब्रांड में आफ्टर कोर्स आप जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हो, आप जॉब कर सकते हो। सो जो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, और मैंने पहले भी बताया ये तो सिर्फ आप कौन कंपनी में जॉब कर सकते हो, आपके पास सेलिब्रिटी के स्टाइलिस्ट बनने का भी मौका है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी हो और टेलीविजन की सेलिब्रिटी हो, आप किसी पर्सन का जो फेमस रिचेस्ट पर्सन है उन लोगों का भी एज ए स्टाइलिस्ट डिज़ाइनर बन सकते हो इस कोर्स करने के बाद। आफ्टर कोर्स आप पर मंथ 15,000 से 25,000 तक कमा सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर फ्रेशर स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा पे नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक फ्रेशर स्टूडेंट्स होता है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। आप पर एनुअल 2 से 3 लाख तक कमा सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप इस फील्ड में, इन इंडस्ट्री के बारे में जानोगे, वैसे वैसे आपका सैलरी में भी ग्रो अप होता रहेगा, जैसे कि आप पर एनुअल 6 लाख से 10 लाख तक कमा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग द फुल वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड इफ़ यू टॉक टू मी डायरेक्टली देन मैसेज मी माई इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे फेसबुक आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ से मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। तो फिर मिलते हैं कोई अगले फैशन रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।